सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, वो कौन है? निर्मला सीतारमण। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है हमारा 50,000 करोड़ रुपए, बी है हमारा 30,000 करोड़ रुपए, सी 40,000 करोड़ रुपए और डी है 90,000 करोड़ रुपए। और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के जरिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने किया है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड और डी है राजस्थान। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। राज्य के कुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार, स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से ही यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने COVID-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? कौन सी बीमारी है फ्रेंड्स? ये कावासाकी रोग। और ये किस में फैल रहा है? ये बच्चों में फैल रहा है। किस देश के चिकित्सकों ने इसकी जानकारी दी है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है इटली, बी है नेपाल, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। और हमारा सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है फ्रेंड्स, कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? किस नाम की परीक्षण मशीन समर्पित की है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है कोमल 6800, कोरोना 5800, ऑप्शन सी है कोबास 6800 या फिर ऑप्शन डी है हिम्मत 3200। ये हमारी चार ऑप्शंस है फ्रेंड्स और हमारा सही आंसर हो जाएगा कोबास 6800। आइए इस मशीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं फ्रेंड्स। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने COVID-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है। ठीक है, 6800 परीक्षण मशीन से लैस है ये, और जो वास्तविक समय में PCR परीक्षण करने में सक्षम है। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? ये चलेगा हमारा, ऑप्शंस में देखते हैं, 30 जून तक, 15 जुलाई तक या 22 मई तक या 18 मई तक। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ये कब तक चलेगा, ऑप्शन सी 22 मई तक। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे
भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है और वो कब तक लाया जाएगा, 22 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है फ्रेंड्स, ये बताना हमें। और इसके सही ऑप्शन हमारी हो जाएगी 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। क्वेश्चन 7 देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस का खिताब अपने नाम किया। ऑप्शंस है हमारे ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी पाकिस्तान, और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, चीन। ठीक है फ्रेंड्स, चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला, अमेरिका को 2रा, यूरोप को 3रा, रूस को 4था, भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला। आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, कौन है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया। हमें क्या बताना है, कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मंडियां हैं हमारी, ऑप्शन ए है 205, बी है 180 और सी है 177 177 और डी है 165 165, और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी सी, 177 मंडियों का एकीकरण किया गया। फ्रेंड्स, देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या 962 है। कितनी, 962। ठीक है, और इससे पहले 785 मंडियों को, कितनी, 785, ठीक है 785, इन मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया। नंबर 9 देखते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और उन्होंने 8 घंटे से बढ़ाकर कितना घंटे काम की अवधि की है, ये बताना है हमें। ऑप्शंस देखिए, ए है 10 घंटे, बी है 12 घंटे, सी है 14 घंटे और डी है 15 घंटे। तो फ्रेंड्स, सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, 12 घंटे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10, हरी शंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, हरी शंकर वासुदेवन किस क्षेत्र से संबंधित थे फ्रेंड्स, वो ऑप्शंस देखिए, इतिहासकार, कलाकार, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं, और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, हरी शंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ भी थे, और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और PhD भी पूरी की थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।